इलेक्शन के जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए, जो यहाँ तक उन इस टीम का सवाल है, तो कहीं ना कहीं हमने भी अपनी बात ये रखी है सामने कि आपकी 6-7 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ऐसी हैं जहाँ पे भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पर बर्फबारी काफ़ी है, और नहीं लगता है कि आपका जो मई का महीना है, तो मई मीन्स मई एंडिंग या जून में इलेक्शन हो जाते हैं तो बात बनती है। लेकिन इसमें, इस पूरे मरहले में जो है सबसे ज़्यादा जल्दबाजी का जो काम है वो सही नहीं रहेगा, और जल्दबाजी जो है वो हमें ये लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी जल्दी पड़ी हुई है, क्योंकि शायद वो ये कह रहे हैं कि मई जून के बाद उनका शायद वोट बैंक में प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस इलेक्शन को आप देखें, इसको अगर आप मामलात को देखें कि पार्लियामेंट का भी जो पीछे इलेक्शन हुआ था वो भी एक जल्दबाजी का फैसला था, और इस बार भी बर्फबारी क्योंकि है, बॉर्डर्स हमारे हॉट है, और नहीं लगता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन का भी एक मौजूद टाइम था। अब चले जो क्योंकि पूरे देश में इलेक्शन हो रहे हैं और उसी के साथ जम्मू कश्मीर के इलेक्शन भी हो जाए, लेकिन असेंबली का जहाँ तक सवाल है, असेंबली तो मतलब ही नहीं बनता। आपके गुरेज का रोड बंद है, आपका करना का रोड बंद है, आपका लद्दाख, आपका करगिल एंड द्रास की जो मैं जहाँ तक बात करता हूँ वो रोड बंद पड़ी है, तो कहाँ से आप कौन से इस जो जिन्यात लोग आएंगे तो वो वहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये बात करना, ये जो अभी इसी पार्लियामेंट के साथ इसको असेंबली को जोड़ना, तो एक वो बात हम कहते हैं कि जो कहीं जचती नहीं है, जो बात बनती नहीं है, तो इसका जो मौजूद समय है वो जून जुलाई के बाद इलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, और मामला भी तब तक ठीक हो, क्योंकि कौन सा तूफान आता है कि 3 महीने में सरकार, 3 महीने के बाद सरकार बनती है। कम से कम एक करप्शन फ्री जो मामला चल रहा है इस वक्त वो तो है, कहीं ना कहीं लोगों की बातों की सुनवाई तो हो रही है जो नहीं हो रही थी पिछले दफ़ा जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, जब PDP की सरकार थी, जिन्होंने लोगों से दूरी रखना पसंद किया, और जिन्होंने आम लोगों को, जहाँ तक मैं बात करता हूँ, कि इतनी एरोगेंस इस पिछली सरकार की थी जिसकी हद नहीं, और नेग्लेक्ट किया पब्लिक को कि जैसे जानते ही नहीं थे। तो आज अब लोगों के सामने वोट मांगना बाकी चीज़ करना, क्योंकि पब्लिक जानती है, गूगल वर्ल्ड है, और हर एक चीज़ सामने आ जाता है, और पब्लिक जानती है और सही और बुरे का फर्क जानती है। तो ये हमारी, हम ज़रूर चाहते हैं कि थर्ड फ्रंट बने, और थर्ड फ्रंट के जो अभी क्योंकि मामला जो बन रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो थर्ड फ्रंट का बने और बाकी लोगों को चांस मिले और देखा जाए कि कैसे क्या रहे। जम्मू कश्मीर की जो खास करके सेंसिटिव इशू है, बॉर्डर्स हमारे बड़े हॉट रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, टूरिज्म इंडस्ट्री बैठी हुई है, कोई रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ जो है कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जहाँ तक डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, हमारी सनतों की तरफ मैं बात करूँ, जो हमारी यहाँ पर बागात थे, इंडस्ट्रीज थे, वो सब ऑलमोस्ट जो है वो बैठी हुई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो सरकार का मामला है, वो ज़रूरी है कि साफ सुथरी सरकार हो, एक अच्छी सरकार हो, ताकि लोगों के काम हो सके। तो ये इस चीज़ को जो इस बार जो इलेक्शन होगा, ये पब्लिक को ही फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल या 6 साल एक अरसा जो होता है सरकार वो बहुत लंबा होता है। तो फिर अगर पब्लिक गलती कर बैठती है, जिस तरह पीछे भी गलतियाँ हुई हमारे लोगों से, कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को चुन के जो हमने गलतियाँ की, और अगर फिर वही होता है तो फिर वही सलाहुद्दीन पैदा हो जाएंगे, फिर वही बुरहान वानी जैसे मामलात पैदा होते हैं, कि लोगों के ऊपर फैसला है कि लोग क्या फैसला करना चाहते हैं, कि वो क्या चुनते हैं, उनका डिसीजन क्या होगा। अगर डिसीजन फिर खराब होगा तो मैं यही कहूँगा कि बदनसीबी है यहाँ के लोगों की और कुछ नहीं है, मामलात लोगों के हाथ में है।